कंप्यूटर्स आजकल की दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। बेशतर लोग इनको सिर्फ ईमेल और इंटरनेट पर सैर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं जो ज़हानत और तदब्बुर मांगते हैं। मिसाल के तौर पर ये फैक्ट्रियों और मिलें चलाते हैं, जहाज़ उड़ाते हैं और इनकी मदद से बीमारियों की तशखीस की जाती है। आज का प्रोग्राम कंप्यूटर्स और इंसानी दिमाग से मुतालिक है। कंप्यूटर्स तो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारा दिमाग खलियों का मजमूआ है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि कभी ये दोनों एक ही जैसा काम कर सकें? अब जाहिर है कि कंप्यूटर को इंसानी दिमाग ही ने बनाया और आज इन दोनों का तो कोई मुकाबला नहीं। लेकिन ये याद रखें कि हमारा दिमाग तो एक तवील इर्तकाई सिलसिले से गुजरा है जो हजारों सदियों पर मोहित है। इसके बरक्स ये मशीन जो उस दिमाग ने बनाया है, उसकी तारीख तो बस अभी शुरू हुई है। बैकस एक इंतहाई सादा और मौसर मशीन है जो हमारी रियाजी और हिसाब की सलाहियतों में इजाफा करती है। 100 साल पहले तक ये जमा तफरीक करने के लिए अक्सर इस्तेमाल होती थी। फिर 1920 के लगभग हाथ से चलने वाली मशीनों ने इसकी जगह ले ली। ये उससे बहुत ज्यादा तेज थी। सन 1940 की दहाई में हिसाब के लिए डेस्कटॉप कैलकुलेटर इजाद हुए। ये जमा के साथ साथ तफरीक, जरब और तकसीम का अमल भी कर सकते थे। बिजली से चलने वाली मोटर गरारियों और लीवरों के एक निहायत पेचीदा निजाम को चलाती थी। हिसाब का जवाब चंद सेकंडों में मिल जाता। वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व से हिसाब का अमल काफी तेज हो सकता है। इनसे चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दूसरी जंगे अजीम में इजाद हुए। ये डेस्कटॉप कैलकुलेटर से कई हजार गुना तेज काम करते थे और इनसे तरह तरह का काम करवाया जा सकता था। लेकिन हजारों वॉल्व में से कुछ कुछ देर के बाद किसी एक के खराब होने की वजह से कंप्यूटर रुक जाता था। ट्रांजिस्टर की इजाद से एक नया दौर शुरू हुआ। वैक्यूम ट्यूब्स की निस्बत ये बहुत छोटे थे। इनसे बने हुए कंप्यूटर भी उसी हिसाब से छोटे मगर ज्यादा ताकतवर बनने लगे। इन कंप्यूटर्स को हिदायत और मालूमात कार्ड से पहुंचाई जाती थी। 30 साल पहले कार्ड रीडर आम थे, लेकिन अब ये मादूम हो गए हैं। पहला वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर इतना बड़ा था कि उसके लिए खास हॉल तामीर करना पड़ा और ये इतनी ज्यादा बिजली खर्च करता था कि जब इसे ऑन किया जाता तो फिलाडेल्फिया शहर की बत्तियां मधम पड़ जाती थीं। लेकिन आज आप सिर्फ 500 रुपए में बाजार जाकर एक पॉकेट कैलकुलेटर या कंप्यूटर खरीद सकते हैं जो ताकत और स्पीड के एतबार से उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। कंप्यूटर्स बनाने की असल वजह साइंसी कैलकुलेशंस थीं और फिजिक्स के शोबे में इसकी जरूरत सबसे पहले महसूस हुई। कंप्यूटर की इजाद से पहले सारे हिसाब किताब हाथ से करने पड़ते थे। मिसाल के तौर पर 17वीं सदी के मशहूर माहिर फलकियात यूहान कैपलर ने मरीख के मदार को बारीक बीनी से देखा, जिससे उसको ये अंदाजा हुआ कि मरीख सूरज के गिर्द एक बैजवी मदार में हरकत करता है। इसके लिए हजारों मसावातें यानी इक्वेशंस हल करनी पड़ी और इस काम में उसे तकरीबन 3 साल लगे। यही काम आज एक जदीद कंप्यूटर चंद मिनटों में कर सकता है। खलाई सफर आज कंप्यूटर्स के बगैर मुमकिन ना होता। मसलन अगर हम जमीन से करोड़ों मील दूर किसी सैयारे पर जाना चाहते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि खलाई जहाज में मौजूद कंप्यूटर हजारों मसावातें एक मिनट में हल कर सके। इन्हें सही हल करना जरूरी है, बसूरत दीगर ये अपनी मंजिल से लाखों मील दूर भटक सकता है। एटम बम बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी है। दूसरी जंग अजीम के दौरान वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर बनाने की सबसे अहम वजह यही थी। आज ताकतवर कंप्यूटर के इस्तेमाल से न सिर्फ इन न्यूक्लियाई हथियारों की तैयारी में आसानी हुई है, बल्कि इनके आजमाइशी धमाके भी बहुत हद तक गैर जरूरी हो गए हैं। अगरचे कंप्यूटर का निजाम
पेचीदा से पेचीदा तर हो गया है, लेकिन दुनिया का हर कंप्यूटर एक सादा उसूल पर चलता है। हम अपनी उंगलियों पे गिनने के आदी हैं, और चूंकि हमारी 10 उंगलियां हैं इसलिए हम 10 हिंसे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 13 के लिए कोई अलग हिंसा नहीं है। उसके बरक्स कंप्यूटर यूं हिसाब करते हैं कि जैसे उनकी सिर्फ 2 उंगलियां हों। ये उंगलियां दरअसल वो स्विचेस हैं जिनके जरिए कंप्यूटर काम करता है। हर कंप्यूटर में लाखों स्विचेस होते हैं, और एक स्विच ऑन हो सकता है या ऑफ, दरमियान में नहीं। कुछ स्विचेस अगर ऑन हो और दूसरे ऑफ, तो एक खास हर्फ या अदद बनता है। लेकिन अगर ये स्विच बंद करके दूसरे खोल दिए जाएं, तो कोई दूसरा हर्फ या अदद बन जाता है। इस तरह एक कंप्यूटर स्विचेस के जरिए एक लफ्ज, किताब या तस्वीर को पहचान सकता है। कंप्यूटर के इस माइक्रोचिप में तकरीबन 10 लाख ट्रांजिस्टर्स हैं। हर ट्रांजिस्टर एक स्विच का काम सर अंजाम देता है। बिजली के नन्हे नन्हे झटकों से ये माइक्रोचिप कंप्यूटर के दूसरे पुर्जों को मालूमात भेजता है और इनसे मालूमात हासिल करता है। माइक्रोचिप एक जदीद और हैरान कुन इजाद है। अगर इन ट्रांजिस्टर्स की जगह ये वैक्यूम ट्यूब्स होती तो इसका वजन कई 100 टन होता। ऐसे ही माइक्रोचिप्स कंप्यूटर के CPU में हैं, जो उसका दिमाग है। जिस तरह हम अपने तमाम फैसले दिमाग में करते हैं, इसी तरह एक कंप्यूटर के तमाम फैसले उसका CPU करता है। कंप्यूटर को काम करने की हिदायत हम कीबोर्ड और माउस के जरिए देते हैं, और कंप्यूटर हम तक मालूमात मॉनिटर के जरिए पहुंचाता है। इन सब पुर्जों को CPU कंट्रोल करता है। CPU दरअसल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुखफ्फ है, यानी ये कंप्यूटर का वो मरकजी हिस्सा है जिसे हर चीज का इल्म होना चाहिए। जिस तरह हमको रास्ते याद करने के लिए हाफ़ज़े की जरूरत होती है, उसी तरह एक कंप्यूटर को मुख्तलिफ मालूमात याद रखने के लिए मेमोरी की जरूरत होती है। कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्मों की मेमोरीज हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर छोटे छोटे मकनातीस मालूमात याद रखते हैं। जब बिजली का करंट एक सम्त गुजरता है तो इनकी मकनातीसियत की एक सम्त होती है, लेकिन अगर करंट की सम्त बदले तो मकनातीसियत की सम्त भी बदल जाती है। कंप्यूटर्स में इसका एक बड़ा जाल होता है। आजकल ऐसी हार्ड डिस्क भी आम है। डिस्क की तेज घूमने वाली प्लेट के ऊपर छोटे छोटे मकनातीस मौजूद हैं। हर डिस्क पर 1000 से ज्यादा किताबें याद रखने की गुंजाइश है। मेमोरी की एक और किस्म CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क है। इस पर मालूमात बा आसानी रखी जा सकती है। CD तेजी से घूमती रहती है, और इसके नीचे एक छोटा लेजर मौजूद होता है जिसमें से रोशनी की धार निकलती है। CD पर मालूमात ऐसे छोटे छोटे निशानात में मुजमिर होती है। लेजर इन निशानात को पढ़ भी सकता है और CD के ऊपर लिख भी सकता है। एक CD पर असरारे जहां के 2 प्रोग्राम रिकॉर्ड हो सकते हैं, या 200 किताबों का मतन रखा जा सकता है। कंप्यूटर अपने तौर पे कुछ नहीं कर सकते। उनसे काम लेने के लिए उन्हें प्रोग्राम करना पड़ता है, यानी उन्हें खास हिदायत के मुताबिक चलना सिखाया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर की एक मखसूस जबान, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, इस्तेमाल होती है। कंप्यूटर को प्रोग्राम करके आज तूफानों की पेशेंगोई किसी हद तक हो सकती है, बशर्ते कि बड़े और ताकतवर कंप्यूटर्स को मुनासिब तरीके से फिजिक्स के उसूल समझाए जाएं। अब दुनिया के हर मुल्क में महकमा मौसमियात इस मकसद के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं। मरीख पर भेजे जाने वाली ये खुदकार मशीन कंप्यूटर की हिदायत से चलती है। इसे रोबोट भी कहते हैं। इस पर नस्ब कैमरे आंखों का काम सर अंजाम देते हैं। कंप्यूटर ये फैसला करता है कि आया मिट्टी नरम है और खोदी जा सकती है, या इस रोबोट को कहीं और ले जाया जाए। ऐसे रोबोट इंसानी खलानवर्दों से कई लिहाज से बेहतर काम कर सकते हैं, और इनकी जरूरियात निस्बतन बहुत कम है। सिर्फ कंप्यूटर्स ही को नहीं, बच्चों को भी मखसूस हिदायत के मुताबिक चलना सिखाया जाता है। इसे हम तालीम कहते हैं, और ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग है। अब तो कंप्यूटर्स को सही तरबियत देके, यानी इनको सही तरह प्रोग्राम करके,
हम इनके साथ सादा गुफ्तगु भी कर सकते हैं और ये किसी हद तक इंसानी शक्लें भी पहचानने लगे हैं। लेकिन फिर भी एक 2 साल का बच्चा बहुत से ऐसे काम कर सकता है जिसके ऊपर दुनिया के बड़े से बड़े कंप्यूटर दिन के दिन और साल के साल लगा लेते हैं। अब यकीनन इंसानी जहन जबरदस्त जहानत का मालिक है। इससे हम शेर व शायरी करते हैं, एटम के अंदर गोता लगाते हैं, दूर के सैयारों तक भी पहुंचते हैं और ये सब कुछ हमें विरसे में बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इस कमाल मशीन का वजन पैदाइश के वक्त सिर्फ 750 ग्राम होता है, लेकिन जब बच्चे की उम्र 10 साल होती है तो इसमें 2 गुना इजाफे के बाद ये 1.5 किलो हो जाता है। इस मुर्दे के दिमाग पर तजरबात के लिए इसे कीमियावी मादों के जरिए महफूज किया गया है। इसके अंदरूनी निचले हिस्से से जो शाख निकलती है वो स्पाइनल कॉर्ड या हरा मगज कहलाती है। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो अपना हाथ फौरन पीछे कर लेते हैं, ये इसी की बदौलत है। दिमाग की बैरूनी सतह पर सबसे नुमाया चीज इसकी तहें और सिलवटें हैं। हमारा दिमाग एक इर्तकाई अमल से गुजरा है। तकरीबन 1 लाख साल पहले एक कदीम इंसान के दिमाग का वजन सिर्फ 0.5 किलो था। ये उस सादा तरीन जिंदगी गुजारने के लिए काफी था जिसमें सिर्फ शिकार की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे जिंदगी पेचीदा होती गई वैसे वैसे इसका वजन बढ़ता गया और आज एक जदीद इंसान के दिमाग का वजन तकरीबन 1.5 किलो होता है। एक खतरों से भरी हुई दुनिया में इंसान की बका के लिए यह जरूरी था कि उसका दिमाग दूसरे जानदारों से ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो। रफ्ता रफ्ता इसी दिमाग ने अपने बारे में सोचना शुरू किया। लेकिन दिमाग की साख पता करना कोई आसान काम नहीं है। न सिर्फ ये बहुत पेचीदा है लेकिन इस पर आप आसानी से तजर्बे भी तो नहीं कर सकते इसे नुकसान पहुंचाए बगैर। फिर भी कभी कभी हादसात और इत्तफाकात हमारा साथ देते हैं। मसलन तकरीबन 200 साल पहले अमेरिका में एक रेलवे का मुलाजिम जबरदस्त हादसे का शिकार हुआ। एक धमाके के नतीजे में एक लोहे की सलाख उसके दिमाग में पैवस्त हो गई और इत्तफाक से वो बच गया और दोबारा काम भी करना शुरू किया। लेकिन उसकी शख्सियत में एक जबरदस्त तब्दीली आ गई। अब वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सेला हो गया और हर तरफ हर मौके पर तशद्दुद करता था। आखिर वो मिर्गी के दौरों से मर गया। उसका दिमाग आज भी एक म्यूजियम में मौजूद है और उसको देखने से पता चलता है कि उसके दिमाग का वो हिस्सा तबाह हो गया था जो हमारे एहसासात और जज्बात को कंट्रोल करता है। ये हिस्सा लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। जारियत, गुस्सा, खुशी, तस्कीन वगैरह जैसी कैफियत यहीं पर जन्म लेती हैं। दिमाग की डंडी के बिल्कुल पीछे नारंगी रंग के ये गोले छोटा दिमाग कहलाते हैं, जो जिस्म के हर हिस्से को इंतहाई महारत के साथ कंट्रोल करते हैं। ये कैच इन्हीं की बदौलत पकड़ा गया। Oh, what a brilliant catch, Azam Mahmood. He is a very useful cricketer. और तबला नवाज की उंगलियां भी इन किताबें हैं। खोपड़ी के बिल्कुल नीचे दिमाग का अहम तरीन हिस्सा है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। ये वो हिस्सा है जो इंसान को इंसान बनाता है। अगर इनकी सिलवटों को खोलकर सीधा बिछाया जाए तो ये 1.5 मुरब्बा मीटर की जगह घेरेगा। दिमाग का आधा वजन इस बड़े रकबे की चादर की वजह से है जो खोपड़ी के अंदर समोई हुई है। यही इंसान की जहानत और तख्लीकी सलाहियत का मंबा है। एक तजर्बे में साइंसदानों ने ऑपरेशन के दौरान किसी मरीज को बेहोश किए बगैर उसकी कॉर्टेक्स की सतह पर मुख्तलिफ जगहों पर छुआ, जिसके बाद मरीज ने मुख्तलिफ एहसासात बताए। कॉर्टेक्स में एक जगह छूने से उंगली में उलझन का एहसास हुआ, जबकि दूसरी जगह छूने से उसे अचानक सर्दी लगने लगी। जबान बोलने और समझने की सलाहियत भी कॉर्टेक्स की बदौलत है। आज साइंसदान एक खास तरकीब के इस्तेमाल से कॉर्टेक्स का वो हिस्सा देख सकते हैं जहां अल्फाज जन्म लेते हैं।
जब हम कोई फिक्रा बोलते हैं या सुनते हैं तो इसका वो हिस्सा इस्तेमाल होता है जो इस तस्वीर में रंगीन नजर आ रहा है। पेशानी के एन पीछे कॉर्टेक्स के अगले हिस्से हमें सोच और तदब्बुर की सलाहियत देते हैं। इसकी मदद से हम आइंदा के लिए प्लान्स बनाते हैं। अगर ये हिस्सा ना हो तो आप इस प्रोग्राम को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये हिस्सा एक मंजर को दूसरे के साथ मरबूत करता है। कॉर्टेक्स की नुमाया तकसीम दाएं और बाएं हिस्से में है। बजाहिर दायां और बायां हिस्सा एक दूसरे का अक्स हैं। एक हिस्से को देखते हुए यूं लगता है कि आप दूसरे हिस्से को आईने में देख रहे हैं। आज साइंसदान ये जानते हैं कि काम के एतबार से इन दोनों में काफी मुशाबियत है, मगर कुछ नुमाया फर्क भी है। दिमाग के बाएं हिस्से का ताल्लुक जबान, तहरीरी सलाहियत, मंतक, हिसाब और रियाजी से है। दायां हिस्सा इंसान के तसव्वुरात की सलाहियत का मस्कन है। आर्ट, मुसीकी, शायरी और तख्लीकी सोच इसी की मरहूने मिन्नत है। कंप्यूटर और इंसान दोनों बिजली पर चलते हैं। तकरीबन 200 साल पहले एक इटालियन साइंसदान जिसका नाम ल्यूगी गैल्वेनी था, उसने ये दरियाफ्त किया कि हमारा दिमाग जिस्म के मुख्तलिफ पट्ठों यानी मसल्स को बिजली के नन्हे नन्हे झटकों से कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त मेरा दिमाग मेरे हाथ को ये हुक्म दे रहा है कि मैं अपनी ऐनक यूं उतारूं और फिर दोबारा लगा दूं। अगर मेरे दिमाग पर मेरी खोपड़ी पर इस वक्त इलेक्ट्रोड्स लगे होते तो आप इस सारे अमल को अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके सामने होती। एक कंप्यूटर का सीपीयू भी अपने अतराफ की दुनिया से इसी तरह से मालूमात हासिल करता है। माइक्रोफोन उसको बिजली के पल्सेस भेजता है और इस तरह वो आवाज़ें सुनता है। इसी तरह वीडियो कैमरा से कंप्यूटर आसपास देख सकता है। हमारे दिमाग को भी मालूमात जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पहुंचाते हैं। कान एक हसास और बेहतरीन किस्म का माइक्रोफोन है जो दिमाग के साथ मुस्तकिल राबते में है। कान के इस हिस्से को अंग्रेजी में कॉकलिया कहते हैं और कान में आवाज दाखिल होने से इसमें इर्तियाश पैदा होते हैं। अलग अलग सुर अलग अलग इर्तियाश पैदा करते हैं और फिर मौसीकी। आवाज की लहरें जब हवा में से गुजरकर इसमें दाखिल होती हैं तो हवा के बदलते हुए दबाव से बिजली का बदलता हुआ करंट पैदा होता है जो दिमाग में मखसूस आवाज की खबर पहुंचाता है। इसके बाद पहले से मौजूद मालूमात को इस्तेमाल करते हुए दिमाग उस आवाज का तज्जिया करता है। हमारी बीनाई भी बिजली की पल्सेस की बदौलत है। जब रोशनी आंख में दाखिल होती है तो उसके पिछले हिस्से में जिसे रेटना कहते हैं एक अक्स पैदा होता है जिसके नतीजे में एक बड़ी नस में बिजली हरकत करने लगती है। ये कॉर्टेक्स के पिछले हिस्से से पैवस्त है और जब करंट वहां पहुंचता है तो हमें तस्वीर देखने का एहसास होता है। एक वीडियो कैमरा भी बिजली इसी तरह पैदा कर सकता है। चुनाचे साइंसदानों ने इस पैदाइशी नाबीना शख्स की खोपड़ी के पिछले हिस्से में छेद कर दिमाग के साथ तारे जोड़ी हैं। अब ये शख्स अपनी जिंदगी में पहली बार आसपास की दुनिया को देख रहा है। अगरचे हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हमारी तमाम तर सलाहियतें जिनमें लिखना, पढ़ना, देखना और सुनना शामिल हैं, दिमाग में बिजली की पल्सेस की मरहूने मिन्नत हैं। कंप्यूटर के अंदर बिजली के पल्सेस उसके ट्रांजिस्टर्स पैदा करते हैं, जबकि हमारे दिमाग में ये पल्सेस
एक खास किस्म का खलिया पैदा करता है जिसका नाम न्यूरॉन है। सादा जानदारों में, मसलन केकड़ों में, इनकी तादाद सिर्फ चंद सौ होती है। इसके बरक्स एक परिंदे में इनकी तादाद कुछ करोड़ होती है। इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स कई सौ अरब होते हैं, यानी कि कायनात में जितने सितारे हैं उनसे भी ज्यादा। यही वजह है कि हमारे दिमाग में तज्जिया, तख़य्युल और तख्लीक की सलाहियतें मौजूद हैं। न्यूरॉन की शक्ल सूरत खुर्दबीन के नीचे इस तरह की दिखाई देती है। ये दरअसल एक खलिया है जिसका एक मरकज है, जहां से एक लंबी डंडी निकलती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। इसके इर्द गिर्द और भी छोटी डंडियां हैं। जब न्यूरॉन से बिजली का झटका खारिज होता है तो ये डंडी से गुजरकर जिस्म के किसी हिस्से को हरकत देता है। न्यूरॉन्स का आपस में राबता रखना अशद जरूरी है ताकि वो मुनज्जम तरीके से काम कर सकें। चुनाचे इनके दरमियान कनेक्शंस का एक नहायत पेचीदा निजाम है। जैसे जैसे हम कोई नई चीज सीखते हैं, मसलन कोई जबान लिखना या बोलना, तो इसके साथ नए कनेक्शंस बनते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पैगाम खास किस्म के मॉलिक्यूल पहुंचाते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये खास किस्म के कीमियाई मुरक्कबात हैं जिनकी मकदार में कमी बेशी से तरह तरह के जहनी अमराज पैदा होते हैं, मसलन डिप्रेशन यानी बेवजह अफसरदगी, मिर्गी वगैरह। चुनाचे कुछ जहनी अमराज का इलाज ऐसी दवाओं से किया जाता है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का तवाजुन बहाल करती हैं। हमारा हर ख्याल दरअसल बिजली के पल्सिस पर मुहित होता है। दिमाग के हिस्से एक दूसरे से हर लम्हा मशवरा करते हैं, फिर किसी एक अमल पर इत्तेफाक करते हैं, जिसके बाद आंख, मुंह, हाथ या किसी और उज्व को हरकत का हुक्म मिलता है। अगर हम इन ख्यालात को सुने तो आवाज यूं सुनाई देगी। दिमाग ज़हानत या इंटेलिजेंस का मस्कन है, लेकिन ज़हानत का मतलब क्या है? अब जाहिर है कि वो लोग जो गैर ज़बानें जल्दी सीख सकते हैं या जो रियाजी के पेचीदा मसाइल जल्दी हल कर सकते हैं वो ज़हीन हैं। लेकिन दूसरी तरफ शायर, मौसीकार और मुसव्विर ये भी तो ज़हीन हैं, क्योंकि ये तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं। लिहाजा ज़हानत का कोई एक पैमाना नहीं है और इसलिए हमें इसके मुख्तलिफ पहलू देखने पड़ेंगे। शतरंज का खेल ज़हानत का एक पैमाना है, और कुछ साल पहले तक यह ख्याल किया जाता था कि कोई कंप्यूटर चेस ग्रैंड मास्टर को हरा नहीं सकता, लेकिन आज के कंप्यूटर हर इंसानी खिलाड़ी को शिकस्त दे देते हैं। सन 1950 में एक अंग्रेज कंप्यूटर साइंटिस्ट ने, जिसका नाम ट्यूरिंग था, ज़हानत का एक मुनफरिद और माकूल पैमाना पेश किया। ये ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है। इसमें एक इंसान का मुकाबला कंप्यूटर से किया जाता है। फर्ज कीजिए कि दोनों का रूप एक ही जैसा है, और जो शख्स सवाल पूछ रहा है वो शक्ल और सूरत की बुनियाद पर तफरीक नहीं कर सकता, मगर फर्क पता करने के लिए दोनों से सवालात किसी भी मौजू से मुतालिक पूछे जाते हैं, तारीख, हालात हाजरा, रियाजी वगैरह। अगर असल इंसान और रोबोट में कोई फर्क पता ना चल सके तो ट्यूरिंग के बकौल हमें कंप्यूटर को इंसान की तरह ज़हीन मानना पड़ेगा। किसी कंप्यूटर का ट्यूरिंग टेस्ट पास करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कंप्यूटर्स का हमारी जिंदगी के ऊपर असर और रसूख बढ़ता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर यह ऐन मुमकिन है कि अगले चंद सालों में ऐसे कंप्यूटर चिप्स बनेंगे जिनकी मदद से पैदाइशी बहरे, गूंगे और अंधे बोल, सुन और देख सकेंगे। फिर ऐसी कंप्यूटर चिप्स बनेंगी, याददाश्त की, मेमोरी की, जिनको हम अपनी खोपड़ियों में डालकर अपनी याददाश्त में इजाफा कर सकेंगे। और शायद कुछ लोग कैलकुलेटर चिप्स डलवा कर अपनी रियाजी की सलाहियतें बढ़ाना चाहेंगे। जब ये होने लगेगा तो हकीकी मायनों में इंसान और कंप्यूटर का मिलाप शुरू होगा।
अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।